मेरे हाथ में आज देखिए अदरक है, मतलब मेरा आज का वीडियो इसके ऊपर ही बनेगा। और एक बात है दोस्तों, आप सबको अदरक पसंद है? सोचिए सोचिए, सबको पसंद है क्योंकि हमारे डेली जिंदगी में किचन का जो काम होते हैं उसमें वेज नॉन वेज जो खाना बनते हैं उसमें अदरक यूज होता है। मेडिसिन काम पे भी अदरक यूज होता है। इसके लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है अदरक लेने के लिए। और अभी तो आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि आपके घर में कोई गमला हो या ज़मीन हो, आप अदरक लगा दीजिए और ये ऑर्गेनिक होगा। जितना ज़रूरत होगा आप इसको कलेक्ट कर पाओगे। दोस्तों अप्रैल से जून तक आप अदरक लगा दीजिए, 6-7 महीने के अंतर आपका अदरक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अदरक के ऊपर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दूंगी। दोस्तों ये सब अदरक का आंख या आई होता है, मैं इसे फेस या मुंह कहती हूँ। इसको ही लगाना है और लगाने से पहले देखिए आपको काटना है, इस तरह आप काट लीजिएगा। काटने के बाद ये जो पीछे का हिस्सा है इसको 3-4 दिन घर में रख दीजिएगा, ये पूरा ड्राई हो जाए तब आपको यूज करना है, लगाना है। ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ ड्राई, ये सब ड्राई है, देखिए इस तरह ड्राई हो गया, ये देखिए। और इसको लगाना है, ये देखिए ये मेरा फ्रूट बास्केट है, इसमें ये दोनों बास्केट में मुझे लगाना है। और इस बास्केट में मैं ऑलरेडी मिट्टी डाल चुकी हूँ, आपको मिट्टी लेना है 80% गार्डन सॉइल और 20% कंपोस्ट। आप पुराना काउडंग भी ले सकते हो, उसके साथ भार्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद मिला दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा होगा। उसके साथ इतना बड़ा बास्केट हुए तो नीम केक पाउडर 20 ग्राम और 1 टीस्पून एंटी फंगल पाउडर ज़रूर मिला लीजिएगा। ये इसका मिट्टी है। आपको इस तरह बास्केट में, फ्रूट बास्केट में लगाना है तो देखिए फ्रूट बास्केट के नीचे इस तरह छेद होते हैं, छेद के ऊपर मैं पॉलीथीन लगा दिया देखिए, और पॉलीथीन के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके छेद कर दिया मैंने और उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दिया। देखिए ये देखिए पॉलीथीन इस तरह होते हैं, ये देखिए इस तरह पॉलीथीन। और इसको मैं सेलो टेप है, सेलो टेप से इधर लगा दूंगी, अभी नहीं लगाया, आपको दिखाने के लिए मैं रख दिया। इस तरह करना है आपको। अदरक लगाने से पहले आपको अदरक लेना है और इसको शोधन करना पड़ेगा। ये देखिए पानी 1/2 टीस्पून फंजीसाइड पाउडर मैं देती हूँ। 5 मिनट्स आपको अदरक को रखना पड़ेगा, इसमें डालना है, 5 मिनट्स रखना है अदरक को। ये देखिए दे रही हूँ, इसीलिए आपको एक काम ज़रूर करना है, ये खराब नहीं होगा। देखिए सिर्फ 5 मिनट्स आपको रखना है, 5 मिनट्स के बाद इसको उठाकर आपको लगाना है। दोस्तों देखिए इस बार मैं इसको लगा रही हूँ, देखिए इधर थोड़ा शाक हुए, इस शाक को रख देती हूँ और इधर से ही मैं लगा देती हूँ। इस तरह थोड़ा सा मिट्टी को इस तरह करना है थोड़ा सा, और इसका जो फेस, फेस को ऊपर रखना है, मिट्टी को इस तरह दबा दीजिएगा, मिट्टी को इस तरह देखिए, ये देखिए इस तरह बड़ा बास्केट हुए तो 6-7 तो इसमें लग ही जाएगा। दोस्तों इसका एज जब 3 वीक्स या 6 वीक हो जाए तब फार्मर लोग इसमें फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं। इतना बड़ा बास्केट हुए तो 3 ग्राम यूरिया, उसके साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे भार्मी कंपोस्ट या उसके साथ थोड़ा पुराना काउडंग या गोबर मिलाकर देते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक करते हैं इसीलिए हमें यूरिया नहीं देना है। इसका एज जब 1.5 मंथ हो जाए तब इसमें देखिए 2-4 करके इसका लीफ निकल आएगा, निकल आने के बाद तब आपको फर्टिलाइजर देना है। कौन सा फर्टिलाइजर देना है? सरसों खली मस्टर्ड केक पाउडर। इतना बड़ा बास्केट हुए तो 20 ग्राम लेना है, एक दिन पानी में भिगा कर रख दीजिएगा, वही पानी छान कर उसके साथ 1 चम्मच एंटी फंगल पाउडर मिलाकर इसके सॉइल के ऊपर आपको देना है। यही सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर। और भी एक फर्टिलाइजर मैं अप्लाई करती हूँ, वो है ये सब्जी का छिलका, देखिए इसमें फ्रूट का छिलका, वेजिटेबल्स का, सब वेजिटेबल्स सब कुछ है,
इस ये भी ऑर्गेनिक है, इसको मैं एक दिन पानी में भीग कर रखती हूँ समर के टाइम पे। इसके पानी छानकर सेकेंड डे के साथ एंटी फंगल पाउडर मिलाकर और भी थोड़ा पानी मिलाकर सब प्लांट में मैं देती हूँ। और इसमें सब कुछ होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यही डालना है और इसमें आपका प्लांट ग्रो करेगा अच्छी तरह से। जब इसका एक 6 या 7 महीने हो जाए तब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब इसका लीफ सूख जाएगा, तब आप समझ जाओगे ये पूरा कंप्लीट हो गया। दोस्तों देखिए ये लगाना कंप्लीट हो गया मेरा। लगाने के बाद पानी देना है, लेकिन आज मुझे पानी नहीं देना है। पिछले 2 दिनों से इधर बहुत बारिश हो रहा है, देखिए पूरा मिट्टी गीली है, इसलिए मुझे पानी नहीं देना है। आपको लगाने के बाद पानी ज़रूर देना है, लेकिन जब आपको सेकंड टाइम पानी देना है तब आपको देखकर पानी देना है, ज़रूरी याद रखिएगा। और इसका ऊपर का मिट्टी 1 इंच तक सूख जाए तब आपको पानी देना है। और ये फुल सनलाइट का प्लांट है, फुल सनलाइट में ही रहेगा, ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा। दोस्तों देखिए ये मेरा लगाना कंप्लीट हो गया, देखिए इधर से इधर तक मैंने सब लगा दिया और इधर भी लगा दिया मैंने, इधर देखिए सब साइड में मैंने लगा दिया। अदरक प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए तब आपको महीने में एक बार शाम 5 बजे के बाद 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल मिलाकर इसके पत्ते के ऊपर जरूर स्प्रे करना है। और आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब मुझे अच्छा अच्छा वीडियो बनाने में इनकरेज करते हैं। आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।